ओके चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 16 का प्रिंट आउट लें प्लीज, हैंड रिटन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दो स्फेरिकल शेल्स हैं, चेक करो, एक एस और एक एस डैश। आपको इसमें क्या करना है, फ्लक्स थ्रू एस डैश इज 4 times फ्लक्स थ्रू एस। आपको कैपिटल क्यू निकालना है, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि एस डैश आउटर शेल है, इस आउटर शेल के अंदर कितना चार्ज है टोटल ये बताओ, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू वन, स्मॉल क्यू टू, स्मॉल क्यू थ्री डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जो आउटर शेल है उसके अंदर जो भी चार्ज है वो कितना होगा, ये भी होगा, ये 3 भी होंगे, मस्ट बी इक्वल टू 4 times। एस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप क्लियर है, तो आपको इस क्वेश्चन में Q1, Q2, Q3 गिवन है और आप वैल्यूज पुट करके कैपिटल क्यू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे कैपिटल क्यू को आपने सॉल्व करना है। गॉस थ्योरम में रेडियस चाहिए नहीं होता, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट चाहिए बस। जिनका ये क्वेश्चन हो गया वो सेकंड क्वेश्चन करें प्लीज। देखो इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक बार शेल S1 है, एक शेल S2 है। जो S2 शेल है इसके अंदर एक लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। तो L लेंथ की एक चार्ज्ड रॉड है या थिन रॉड है, आपको फ्लक्स निकालना है S1 का और S2 का। S1 का फ्लक्स निकालना इजी है क्योंकि जो S1 का फ्लक्स है दिस विल बी इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉशियन सरफेस यानी कि क्लोज बॉडी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप सबको क्लियर है, चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट से क्या आ गया, फ्लक्स। नेक्स्ट है फ्लक्स S2 का क्या होगा, S2 का फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज S2 के अंदर बोलो क्या होगा, एक तो चार्ज होगा कैपिटल Q और दूसरा चार्ज होगा रॉड का या ये थिन वायर का चार्ज। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, कैपिटल क्यू प्लस चार्ज ऑन वायर, टोटल चार्ज ऑन वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट इसमें, हाँ जी पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसमें S2 का जो फ्लक्स होगा वो अंदर का चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय जो वायर का चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं आपको वायर का चार्ज बता दूं तो वहां से S2 का फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, चार्ज निकालने, इसमें वायर के ऊपर क्या चार्ज होगा, वायर का चार्ज निकालने का तरीका देखो प्लीज। देखें वायर का चार्ज, देखें तो ये पॉइंट सबको समझ में आया, पहले चार्ज इस वायर के ऊपर कैसे निकलेगा इसको ध्यान से देखते हैं। मान लो ये एक वायर है, इस वायर के ऊपर चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, के इंटू एक्स, राइट, के फॉर कॉन्स्टेंट और एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहा है। अगर ये लेंथ एल है, ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इज इक्वल टू एल का पॉइंट आ गया, ठीक। इसके अंदर जब हम ये लिखते हैं कि लैम्डा इज के टाइम्स एक्स,
मीन्स एक्स की वैल्यू इज इंक्रीजिंग जैसे जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, और अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं। और लैम्डा की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन राइट की तरफ ज्यादा है और लेफ्ट की तरफ कम है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज लेफ्ट में कम है, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ आते जा रहे हो, चार्ज की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसमें लैम्डा कॉन्स्टेंट है, एक्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है और लैम्डा कॉन्स्टेंट है, उस केस में चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये स्टेप समझ में आया यहां तक? तो इसका मतलब कि यहां पर चार्ज कम, यहां पर चार्ज ज्यादा। हम एक काम करते हैं, हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं dx, और कितने डिस्टेंस पे लिया मैंने x, x डिस्टेंस पे लैम्डा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, kx। इस dx पे अगर मैं ये बोलूं स्मॉल चार्ज क्या होगा, तो ये पॉइंट सबको समझ में आया कैसे, क्योंकि लैम्डा का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ को स्मॉल लेंथ dx से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया इसके ऊपर स्मॉल चार्ज। कोई डाउट इसमें? ये बात समझ में आ रही है यहां तक? स्मॉल चार्ज आ गया dx पोर्शन के ऊपर, लेकिन मेरे को तो टोटल चार्ज निकालना है सभी dx 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 को, तो मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, ये लो कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक, तो टोटल चार्ज आ जाएगा सभी एलिमेंट्स के ऊपर जीरो से लेके एल तक, और यही मुझे निकालना है टोटल चार्ज कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप समझ में आ रहा है? तो जब भी चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो आपको इंटीग्रेशन से सबसे पहले टोटल चार्ज निकालना होगा, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये स्टेप सबको क्लियर है? तो पहले आपने स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज निकाला, फिर आपने इंटीग्रेट किया, तो टोटल चार्ज आया। तो यहां से टोटल फ्लक्स क्या आएगा, क्यू प्लस चार्ज ऑन वायर। तो वायर के ऊपर चार्ज की जगह क्या लिखें, लैम्डा इंटू डीएक्स कहां से कहां तक, जीरो से लेके एल तक, बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां से क्यू प्लस लैम्डा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, के टाइम्स एक्स डीएक्स जीरो से लेके एल तक बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां से क्यू प्लस के एक्स डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या आंसर देगी, एक्स स्क्वायर बाय टू जीरो से लेके एल तक बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक? तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और यहां वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्यू प्लस के एल स्क्वायर बाय टू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपको इसमें इंटीग्रेशन से पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, तब फ्लक्स आएगा, लिख सकते हो। समझ में आया यहां तक? हाँ जी, ठीक है यहां तक? तो ये चार्ज कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है, भाई इंटीग्रेशन। ठीक है तक? नेक्स्ट है कि अ स्मॉल मेटल। देखो जितने क्वेश्चन हमने किए अभी तक, उसके अंदर एक चीज नोट करने वाली है कि जो जिस भी स्फीयर के अंदर चार्ज है वो नॉन कंडक्टिंग है,
क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर कोई कंडक्टर होगा उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी की थी। इंडक्शन के अंदर, इंडक्शन का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई, जैसे ये एक रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और लेट अस सपोज इसके सामने एक मेटल का कंडक्टर पड़ा हुआ है। बाय इंडक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहां पर क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इस रॉड को बाहर ले जाएं या दूर ले जाएं तो ये नेगेटिव का मतलब होता है कि यहां के इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ गए और अपनी जगह क्या छोड़ गए? डेफिशिएंसी। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां के इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आए तो यहां नेगेटिव चार्ज और यहां पर इक्वली पॉजिटिव चार्ज। सेम कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं कि सपोज करो आपके पास एक शेल है। शेल का मतलब यह है कि एक मान लो और कंडक्टिंग शेल है, कंडक्टर का बना हुआ है और अंदर से खाली है। और सपोज आपने यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू। ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो आप कुछ देर के बाद ये देखोगे कि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की सरफेस की तरफ आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ने उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये तो मानते हो कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं, तो मूव करके वो अंदर की तरफ आ गए। कहां से आए अंदर की तरफ? सरफेस से आ गए, इस कंडक्टर के अंदर से आए। तो अपनी जगह पीछे की तरफ क्या छोड़ गए? डेफिशिएंसी। ठीक, तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो गए, और किसने करवाया? इसने करवाया। तो अगर मैं इन सभी नेगेटिव चार्जेस को मिलाऊं और टोटल चार्ज पूछूं तो टोटल चार्ज आपके पास माइनस क्यू आएगा। तो प्लस क्यू चार्ज ने इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज को क्या कर लिया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और जब सारे इलेक्ट्रॉन माइनस क्यू इधर चले गए तो बाहर की तरफ क्या हो गई? यहां पर डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी कितनी होगी? प्लस क्यू की डेफिशिएंसी। ये रूल सबको समझ में आया? तो अगर एक चार्ज आपने शेल के सेंटर पे रखा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? डेफिशिएंसी। और उसी तरीके से अगर मैं इस प्लस चार्ज को यहां से उड़ा दूं, हटा दूं, तो माइनस चार्ज वापस डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा और ये शेल क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये वापस न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे तो ये अभी भी टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, बट अभी थोड़ा रीअरेंजमेंट चार्ज का किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवा के हमने बाहर की से अंदर की तरफ शिफ्ट करवा दिया। ये पहला पॉइंट सबको समझ में आया इंडक्शन का? कोई डाउट इसमें? तो इंडक्शन कैसे लगी समझ में आया? सपोज सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो एक मिनट के लिए ये आपके सामने एक शेल है। फिर से एक शेल है, शेल के अंदर चार्ज कितना है? पॉजिटिव, प्लस क्यू, राइट? प्लस क्यू। और ये रखने से पहले मैंने शेल के ऊपर बाहर से डेफिशिएंसी ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, लेट अस सपोज कैपिटल क्यू। कैसे बोल लो? अंदर का चार्ज अभी कुछ नहीं रखा, बाहर इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है कितना? प्लस क्यू। मतलब ये कह रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन किसी ने निकाल लिए हुए हैं और मेरे ऊपर डेफिशिएंट, मैं इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट हूं और मेरे ऊपर चार्ज प्लस क्यू है। ठीक हो गया, यही है इसका मतलब। सपोज किसी ने सेंटर पे एक और चार्ज रख दिया प्लस स्मॉल क्यू। ठीक, स्मॉल क्यू ने क्या किया? इसके और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करके यहां पर नेगेटिव और इकट्ठे कर लिए, जिसका अमाउंट टोटल कितना था? माइनस क्यू। और कहां से आए? बाहर की सरफेस से आए, रीअरेंजमेंट करवा दिया। बाहर पहले डेफिशिएंसी थी और डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, और कितनी डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई? स्मॉल क्यू डेफिशिएंट हो गया। तो अब आउटर सरफेस के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा बोलो? क्यू प्लस स्मॉल क्यू। अंदर की सरफेस पे चार्ज कितना हुआ? माइनस क्यू। क्लियर? ये माइनस क्यू प्लस क्यू सिर्फ रीअरेंजमेंट है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ आ गए और बाहर प्लस क्यू डेवलप हो गया। और ये जो डेफिशिएंसी है वो तो ऑलरेडी यहां पड़ी हुई है, तो ये तो कैपिटल क्यू तो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन पढ़े।
क्वेश्चन ये है, अ स्मॉल मेटल स्फेयर, ये मेटल का स्फेयर है, कैरिंग अ चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, प्लस कैपिटल क्यू ये रहा, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेरिकल कैविटी। इस स्फेरिकल कैविटी, स्फेरिकल कैविटी का है तो ये स्फेयर, थिक स्फेयर है लेकिन अंदर से खाली पड़ा हुआ है, और इसमें कितना चार्ज रखा हुआ है हमने, प्लस क्यू। आगे यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पी वन एंड पी टू। तो क्वेश्चन है कि आप पी वन के ऊपर, पी वन का मतलब इसके अंदर कैविटी के अंदर, मुझे वैल्यू निकाल के बताओ किसकी, ई की। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसका, इसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेटल का अपना कोई चार्ज नहीं है। कैपिटल क्यू आर वन डिस्टेंस पे ई कितना लगाएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो कि क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर, पर उसने सीधा फॉर्मूला लगाने से मना किया, उसने क्या किया, क्या कहा, यूजिंग गॉस थ्योरम। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो गॉस थ्योरम को यूज करके ही मुझे ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो गॉस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं और मुझे यहां पर ई निकालना है, तो रूल क्या है, जहां ई निकालना है वहां क्या लगानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस। तो ये डॉट 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 गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस कितना है, आर वन। तो गॉसियन सरफेस का ई डॉट डीएस करें, अब ई डॉट डीएस की इंटीग्रेशन स्टेप सीधा शॉर्टकट, ई इंटू 4 पाई आर वन स्क्वायर, ई इंटू पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वन या ई, और एरिया कितना है गॉसियन सरफेस का डॉट 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 का, 4 पाई आर वन स्क्वायर। और गॉस ने क्या कहा था, इसकी जगह आप यूज करो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस डॉट 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 के अंदर कितना चार्ज है, इनसाइड क्यू, तो यहां पर क्या आ गया, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप क्लियर है, तो यहां से सॉल्व करके ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक, ठीक। आपने गॉस थ्योरम लगाई और वहां पर गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस के हिसाब से अपना आंसर निकाल दिया। अब अगला पार्ट जरा ध्यान से देखना, अब मुझे ई निकालना है, कहां पे निकालना है, एट पॉइंट पी टू। एक्चुअल डायग्राम में जाएं, पॉइंट पी टू कहां दिखाई दे रहा है, इस मेटल के अंदर, कहीं भी अंदर, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर टू। तो अगर इस मेटल सरफेस के अंदर जाएं और गॉस थ्योरम को अप्लाई करें, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेटल का सरफेस है और अंदर क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज अपने आसपास क्या लगाएगा, मेटल पे इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से ये प्लस क्यू क्या डेवलप करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट माइनस क्यू, और मेटल के बाहर की तरफ क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन निकल के अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो अगर ये क्यू तो ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू। कोई डाउट इसमें, ये डायग्राम क्लियर है। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस यहां पे लूं, उसने मुझे कहा मेटल के अंदर निकालना है, तो मैंने गॉसियन सरफेस भी मेटल के अंदर ले ली, तो ये डीएस 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 डीएस, ये डॉट 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 देख रहे हो, मेटल के अंदर क्या आ गई, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का रेडियस बोलो क्या चल रहा है इसमें, आर टू। तो इसमें ई डॉट डीएस में क्या होगा, ई, ई की जगह ई डैश, और एरिया की जगह 4 पाई आर टू स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है, गॉसियन सरफेस का एरिया पुट करते हैं, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस इसमें कितना है, आर टू, तो एरिया क्या होगा, 4 पाई आर टू स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है, और इज इक्वल टू गॉस थ्योरम से ये फ्लक्स कैसे कैलकुलेट हो सकता है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, आप डॉट 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 के अंदर देखो कितना चार्ज दिख रहा है आपको, इसको छोड़ दो ये बाहर चला गया, इसके अंदर कितना चार्ज है, माइनस क्यू भी है और प्लस क्यू भी है, तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या आएगा, जीरो। तो इसलिए ई की वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो। तो नोट कर लो एक पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, आज के बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाले अनलेस हमें कहा ना जाए। तो रूल ये है कि गॉसियन, सॉरी, मेटल सरफेस के अंदर या कंडक्टर के अंदर ना तो चार्ज एग्जिस्ट करता है ना ई एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई मुझसे आज के बाद ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछे कि ये मेटल का सरफेस है, इसके अंदर ई क्या होगा, तो सीधा आंसर क्या बोल रहे हैं, जीरो। पॉइंट क्लियर है, एनसीईआरटी वाले पूछ सकते हैं कि प्रूव करके दिखाओ मेटल के अंदर ई जीरो होता है, फिर ये प्रूफ लगा देना, इंडक्शन शो करना, और आंसर क्या आएगा, जीरो। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि क्या डिफरेंस है, हो जाएगा प्रूफ। अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा, बी पार्ट को सॉल्व करते हुए तो इंडक्शन लगाई, ए पार्ट जब सॉल्व कर रहे थे यहां पे तब तो इंडक्शन की बात ही नहीं की, क्योंकि कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
अगर आप इसके अंदर जब आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे और इंडक्शन लगा भी देंगे इस पार्ट में, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, मैं कहूंगा कि इस डॉटेड स्फेयर के अंदर का चार्ज निकालो, तो अंदर का चार्ज हर हालत में क्या रहेगा, प्लस क्यू, क्योंकि जो इंडक्शन के चार्जेस हैं वो तो कहां चले जाएंगे, गॉसियन सरफेस के बाहर। इसलिए इस पार्ट में इंडक्शन करो या ना करो फर्क नहीं पड़ रहा, पर दूसरे पार्ट में फर्क पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पार्ट का जो सरफेस है वो ये है, और इसके इसके लिए मुझे यहां का चार्ज भी चाहिए होगा, तो मुझे इंडक्शन लगानी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्यों, कब लेना है और कब नहीं लेना है, इसमें कोई डाउट, इसमें क्लियर ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एक बार पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ई के लिए नहीं, वो तो गॉस थ्योरम लगा रहे हैं ना, तो गॉस ने सीधा शॉर्टकट दे दिया था। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस स्मॉल आर वन, इनर रेडियस है, एंड आउटर रेडियस स्मॉल आर टू हैज अ चार्ज ऑफ कैपिटल क्यू। इसमें ये बताया जा रहा है कि आपके पास दो एक एक स्फेरिकल सरफेस है, ये रे, इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, और ये R1 है और ये R2 है, और ये अंदर की सरफेस किसकी बनी हुई है, मेटल की, ये खाली नहीं है, ये मेटल की सरफेस अंदर बनी हुई है, राइट। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, तो इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम। तो उसने कहा कि मान लो मैंने इसको चार्ज, इसके अंदर चार्ज प्लेस कर दिया कितना, प्लस क्यू, यहां तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी हुई हुई है, जब मैंने क्यू रखा तो बाय इंडक्शन अंदर की तरफ कितना चार्ज आ गया, माइनस क्यू, और माइनस इलेक्ट्रॉन कहां से आए, बाहर से आए, तो बाहर और भी ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई, कितनी, प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे कितना बन गया, क्यू प्लस क्यू, और इनर सरफेस पे कितना बन गया, माइनस क्यू, और अंदर तो क्यू है ही है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ये रूल, ठीक है। फिर से, तो यहां पर तो ऑलरेडी चार्ज था ही कैपिटल क्यू, ये लो, मैंने इसमें क्या रख दिया, माइनस क्यू, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सेम डायग्राम बनाकर दिखाया था जिसमें ये बताया था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसको सॉरी प्लस क्यू, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को प्लस क्यू अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कर लिया, और पिछली तरफ क्या छोड़ गया, एक डेफिशिएंसी, तो टोटल चार्ज आउटर सरफेस पे कितना हुआ, क्यू प्लस क्यू। तो ये डायग्राम जो आपकी असाइनमेंट में बना हुआ है समझ में आ रहा है, क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू बोलो, कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, नहीं वो तो कैपिटल क्यू तो डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके तो पहले निकाल रखे हैं आपने, वो क्या करेगा फिर, तो इस दुनिया में स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी आ नहीं पाएगा, ठीक है ना, एक बॉडी अपने पार्ट का पोर्शन अट्रैक्ट नहीं करेगी, दूसरे का करेगी प्लस माइनस, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन इनर एंड आउटर शेल, ये आपका इनर शेल है, इनर शेल के अंदर कितना टोटल चार्ज है, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा इनर शेल की सरफेस पे कितना चार्ज है, तो इनर शेल की सरफेस पे बोलो कितना चार्ज दिखाई दे रहा है, माइनस क्यू, बस अंदर अंदर कितना चार्ज है, माइनस क्यू,
और आउटर शेल के सरफेस पे कितना चार्ज है, क्यू प्लस क्यू, सरफेस के ऊपर। कई लोग बोल रहे थे टोटल चार्ज दिस प्लस दिस, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि टोटल चार्ज कितना है शेल के अंदर, मैंने कहा इसकी सरफेस सरफेस पे कितना चार्ज है, तो सरफेस सरफेस पे इसके नेगेटिव चार्ज है और कितना, माइनस क्यू। तो अगर कोई ये पूछे कि इसकी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी सरफेस की, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिर्फ सरफेस का चार्ज लेता है, तो इस केस में इनर शेल में सरफेस का चार्ज कितना है, माइनस क्यू, और कितने एरिया के ऊपर पड़ा हुआ है, 4πr1² और सिमिलरली आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस क्यू, और कितने एरिया के ऊपर पड़ा हुआ है, 4πr2² तो सिग्मा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। सिग्मा ए केस में नेगेटिव, आउटर पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज है, प्लस का मतलब डेफिशिएंसी है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हो सिग्मा की, पर सिग्मा के अंदर जो चार्ज लेने हैं वो कौन से लेने हैं, सरफेस का चार्ज लेना है, इनर है तो इनर, आउटर है तो आउटर। कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ई की, कहां पर, जब एक्स की वैल्यू आर टू से बड़ी है, ये रहा आपका आर वन, ये रहा आपका आर टू, आर टू से बड़ी होने का मतलब वो कह रहा है शेल के बाहर है, ठीक, शेल के बाहर आपको ई निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये प्लस क्यू बाय इंडक्शन, माइनस क्यू बाय इंडक्शन, क्यू प्लस क्यू, ये तो हमने डिस्कस किया ही हुआ है, और मुझे यहां पर ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां पर क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस। क्यों लेंगे, क्योंकि मेरे को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो आता नहीं है, तो मेरे को गॉस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, तो मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया। तो रेड कलर की गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है और एरिया कितना है इसका, 4πx2, तो ये देखो इसका रेडियस क्या चल रहा है, एक्स, तो ई इंटू 4πx2, और गॉस थ्योरम क्या कहती है कि या तो ई डॉट डीएस से करो या फिर टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है एक क्यू, एक माइनस क्यू और एक क्यू प्लस क्यू, तो यानी कि दिस, क्योंकि इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर ये सारे के सारे चार्जेस आ जाएंगे, जो कि क्यू माइनस क्यू, क्यू प्लस क्यू। तो ये स्टेप समझ में आया, ये टर्म कैंसिल हो गई, अल्टीमेटली चार्ज क्या बचेगा, सिर्फ क्यू प्लस क्यू। तो यहां से E की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो जहां E निकालना है वहां क्या लेना है, गॉसियन सरफेस। कोई स्टेप में डाउट? नेक्स्ट देखें, ठीक, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अ चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, इज प्लेस्ड एट सेंटर एज शोन। एक्चुअल में बॉडी ऐसी थी, कंडक्टर है, प्लीज, कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी के बाहर कैपिटल क्यू चार्ज है, ऑलरेडी डेफिशिएंसी है प्लस क्यू, आपने इसके सेंटर पे क्या रख दिया, प्लस स्मॉल क्यू। जब आपने ऐसा किया तो बाय इंडक्शन यहां पर क्या आ गया, माइनस क्यू, और बाहर की तरफ क्यू प्लस क्यू, प्लस लगा लेना, क्यू प्लस क्यू। ठीक, तो आपको इसमें यह बताना है कि फाइंड चार्ज एट दी आउटर सरफेस ऑफ दी कंडक्टर, वो आप सीधा क्या लिख सकते हो, आउटर सरफेस पे चार्ज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। ठीक, क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में मिलेगा, एनसीईआरटी के अंदर यह कहा गया है कि, क्योंकि मैं तो सीधा कर देता हूं, मैं क्या सीधा करता हूं कि अगर ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, आप पूछते हो कैसे, मैं कहता हूं इंडक्शन, इंडक्शन से कैसे, प्लस क्यू माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है तो माइनस इलेक्ट्रॉन पास आ गए, बस बात खत्म। एनसीईआरटी में हो सकता है आपको ये प्रूफ करने को कह दे कि अगर मैंने यहां पर चार्ज क्यू रखा तो प्रूफ करो बाय इंडक्शन यहां पर मैथमेटिकली चार्ज माइनस क्यू ही आएगा, इसको मैथमेटिकली गॉस थ्योरम से प्रूफ करो। ठीक है, यहां तक वैसे वर्बली हमें पता है, अब लिखने का तरीका भी आना चाहिए, कैसे, आप क्या करें, ये आपने सरफेस ली, ये क्यू रखा आपने, आपको ये प्रूव करना है कि माइनस क्यू आएगा, आप इमेजिन कर लें कि इस सरफेस के अंदर, मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर या मेटल के अंदर आपने गॉसियन सरफेस ले ली, क्लोज्ड कोई भी,
इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ गॉसियन सरफेस लेना है, तो ये इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली। अब क्योंकि ये गॉसियन सरफेस आपने कहां पे ली, कंडक्टर के अंदर। अब कंडक्टर के अंदर जब आप बात करते हो तो मैंने आपको रिजल्ट याद करवाया, नेट ई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो आपने यहां जीरो कर लिया। तो इस केस में जब आप इसमें ई डॉट डीएस लगाओगे, वो लगाने का फायदा नहीं, क्योंकि ई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और आपका आंसर क्या जाएगा, जीरो। पर गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका फ्लक्स जीरो है, क्लोज बॉडी का फ्लक्स होता क्या है, टोटल चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर टोटल चार्ज क्यू तो है ही है, इसका मतलब यहां पर एक और चार्ज पड़ा होना चाहिए माइनस क्यू, ताकि क्यू और माइनस क्यू आपस में कैंसल हो जाए और नेट फ्लक्स क्या आ जाए, जीरो। तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि अंदर की तरफ चार्ज, इमेजिन कर लेते हैं एक्स, तो एक्स प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स अपने आप ही माइनस क्यू के इक्वल आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि अगर यहां चार्ज क्यू है तो यहां पे चार्ज माइनस क्यू ही होगा, ताकि नेट आंसर क्या आ जाए, जीरो। कि हमें पता है, हाँ देखो, अब वो आप कहोगे कि अब ये तो रिजल्ट यूज करके किया, और वो रिजल्ट इसलिए प्रूव किया क्योंकि अंदर चार्ज नहीं था इतना चलेगा, ये प्रॉपर्टी है इसकी, फील्ड की लिखने का तरीका यही रहेगा। हम इस देखो एक प्रॉपर्टी को तो यूज करके ही चले गए। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो प्लीज एक बार। ये समझ में आया कि रेशियो 149 होगी माइनस क्यों किया, वो तो ठीक है, पर 149 पहले पता होना चाहिए ना कैसे आया। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, आपके पास तीन कंसेंट्रिक शेल्स हैं, एक दो तीन, ठीक, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर चार्ज है Q1, इसके ऊपर चार्ज है Q2, इसके ऊपर चार्ज है Q3, और रेडियस एक का कितना है आर है, इसका कितना है 2R है, और इसका कितना है 3R है। कोई डाउट इसमें? वो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी तीनों की, अब तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब सिग्मा सेम है,
अब ये अजीब लगेगा सुन के, सिग्मा कैसे सेम होगा, क्योंकि एरिया सबका डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं चार्ज भी सबका डिफरेंट कर लो। सच दैट फर्स्ट शेल की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू बोलो क्या होगी, Q1 डिवाइडेड बाय कितना, 4 pi, और मैंने इमेजिन किया है कि Q1 Q2 Q3 अभी सरफेस के ऊपर है, मान लो कि सरफेस के ऊपर ऊपर का चार्ज Q1 है, Q2 और Q3 है, नीचे के सरफेस की कितना चार्ज है बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, पर ऊपर ऊपर मान लो चार्ज Q1 Q2 Q3 है, तो आउटर सरफेस का सिग्मा वो कह रहा है सेम होना चाहिए, इनर का नहीं आउटर का सेम है, तो मैंने मान लिया कि इनर का मुझे पता नहीं, आउटर में इतने चार्जेस हैं और फर्स्ट की सिग्मा की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब वो कह रहा है सिग्मा सेकेंड का भी सेम होना चाहिए, सेकेंड केस में एरिया क्या हो गया, 4 pi 2 r का स्क्वायर हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि सेकेंड में डिनोमिनेटर में फैक्टर 4 आ गया, एक्स्ट्रा 4 आ गया, होना क्या चाहिए था 4 pi r square, तो पक्की बात है कि मेरे को यहां चार्ज क्या करना पड़ेगा, 4 times जितना पहला चार्ज है, तो Q2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 Q1, वो इसलिए क्योंकि अगर ये 4 Q1 होगी तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर रिमेन सेम, ऐसे होना चाहिए, कोई डाउट इसमें। और उसी तरीके से सिग्मा तीसरे का भी सेम होना चाहिए, 4 pi into 3 r का स्क्वायर, तो यहां से इससे 9 ज्यादा आ गया, तो यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, 9 into Q1। ये बात समझ में आ रही है, ताकि सिग्मा की वैल्यू आउटर सरफेस पे क्या हो जाए, सेम, कोई डाउट इसमें। तो इसका मतलब यहां पर चार्ज अगर Q1 है तो आउटर सरफेस पे हर हालत में यहां पर चार्ज 4 Q1 होना चाहिए, और आउटर पे क्या होना चाहिए, 9 times Q1 होना चाहिए, कोई डाउट इसमें। ये तीन चार्ज होने चाहिए आउटर पे, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया फाइंड रेशियो ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3, और यहां पर रेशियो ऑफ चार्ज का मतलब कि फर्स्ट शेल का टोटल चार्ज Q1 है, सेकेंड शेल का टोटल चार्ज Q2 है, और थर्ड शेल का टोटल चार्ज Q3 है। टोटल का मतलब अंदर और बाहर का चार्ज, आपको कि अंदर का चार्ज कहां का मतलब क्या हुआ, देखो हुआ क्या, क्योंकि मेरे को सरफेस के आउटर पे तो ये रेशियो चाहिए ही चाहिए ताकि मेरा मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, इसको तो मैं हिला नहीं सकता। फिर मुझे ये भी पता है कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है ठीक एंड यूनिफॉर्मली ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बाय इंडक्शन इसके नीचे की तरफ कितना चार्ज आएगा, -Q1, क्योंकि ये +Q1 बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, -Q1, और बाहर की तरफ क्या आ जाएगी यहां पर, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कितनी आ गई यहां पर, कितनी, ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो आपके पास जो डेफिशिएंसी आएगी वो इसके इक्वल आ रही है, कोई डाउट इसमें। तो इसके अंदर बेसिकली इंडक्शन लगाई गई है, कैसे, मेरे को मालूम है कि यहां पर ये 4Q1 होगा, 4Q1 है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब ये जो चार्ज है वो आफ्टर इंडक्शन है, क्योंकि अगर मैंने इसको +Q1 किया, देखो कॉमन मिस्टेक ये होती है, -Q1 है तो ये +Q1 है, अब जब मैं यहां +Q1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5Q1, तो ये मेरी गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी यहां पे। तो हर हालत में इसको तो क्या होना पड़ेगा, 4Q1, 4Q1 का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो चार्ज है, क्योंकि इंडक्शन भी लगी हुई है, इसका मतलब -Q1 ने +Q1 यहां दिया तो पक्का होगा। एक काम करें, इसका मतलब यहां पर इसका अपना चार्ज होगा 3Q1, इंडक्शन से आएगा Q1, इसलिए टोटल चार्ज क्या बन के आया, 4Q1। रिपीट करूं फिर से, ये स्टेप सबको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, ओके वापस आ जाओ, ठीक यहां तक क्लियर है, इंडक्शन वो ये आसान तरीका है करने का, वो रेशियो बराबर पता लग रही है ना, पता लग रहा है कि हर हालत में इसका आंसर 1 और 4 और 9 तो आना ही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये Q1 4Q1 9Q1 तो फिक्स हो गया ना, और यहां पर पक्की बात है नीचे क्या लगी हुई है, इंडक्शन, तो यहां पे इंडक्शन +Q1 क्या दे रही है, -Q1। फिर कोई कहेगा सर यहां +Q1 कहां गया, वो अंदर आफ्टर इंडक्शन ही चार्ज 4Q1 है, इसके अंदर Q1 नीचे से आया हुआ है, और यहां से -4Q1, आप कोई कहेगा सर +4Q1, इसके अंदर +4Q1 9Q1 के अंदर +4Q1 एडजस्टेड ऑलरेडी है, वो हमारी हेडेक नहीं है कि वो नीचे से आया या इसका अपना चार्ज था। मुझे ये पता है कि हर हालत में यहां पर तो 149 ही होना है,
और नीचे क्या लग रही है, इंडक्शन। तो इंडक्शन से पक्की बात है, अगर ये Q1 है तो ये माइनस Q1 है, ये प्लस 4 है तो ये माइनस 4 है, ये रूल लगेगा। तो अब इस शेल का अपना चार्ज कितना है Q1, इस शेल का टोटल चार्ज अंदर और बाहर मिला के कितना है 4 और माइनस 1 मिला के क्या आएगा 3, और इसका टोटल चार्ज क्या आएगा 9 और माइनस 4 मिला के कितना 5। तो इससे रेशियो क्या आएगी 1, 3 और 5। तो टोटल चार्ज की रेशियो इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5। ये स्टेप समझ में आया, इंडक्शन अंदर से छुपी हुई है और वैसे रेशियो आपने निकाली हुई है 1 और 4 और 9। अगर आप इंडक्शन नहीं लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि आप टोटल रेशियो ना निकाल पाए। हाँ, अगर क्वेश्चन ये आता है आउटर शेल पे चार्ज की रेशियो निकालो, फिर ठीक है, फिर 1:4:9। पर अगर वो टोटल चार्ज की रेशियो पूछता है तो इसमें से कुछ चार्ज तो इंडक्शन में एडजस्टेड हुआ हुआ है, मतलब यहां पर Q1 माइनस Q1 और इसका प्लस 4Q1 गया हुआ है, इसका मतलब इसका अपना चार्ज तो प्लस 3Q1 है और एक चार्ज इसको प्लस Q1 इंडक्शन से मिला हुआ है। नहीं है ना, आउटर पे है ना, नहीं रहेगा ना। इसको पहले अंडरलाइन करो, उसने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस इज सेम, इनर की बात नहीं की उसने। तो आउटर के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की 1, 4, 9, मैंने अपना फॉर्मूला आउटर के लिए लगाया ना, इन चार्जेस को मैंने फिक्स कर दिया, फिर मैंने इंडक्शन लगा ली। इंडक्शन लगाने का मतलब इसका चार्ज रीअरेंज हुआ ना, रीअरेंज का मतलब अगर ये Q1 है तो ये माइनस Q1 हुआ ना, और टोटल, अच्छा आप कह रहे हो कि ये टोटल चार्ज ही 4Q1 है और इसी के अंदर सब कुछ लगा हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जो ये फॉर्मूला लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाया है, आउटर, इरिस्पेक्टिव कि अंदर की तरफ कितना चार्ज है, फर्क है ना। मैंने आउटर आउटर के लिए रेशियो लगा, मेरा आउटर चार्ज तो मुझे पता लग गया, पर मुझे ये तो देखना है ना कि अंदर इंडक्शन का भी तो रोल चल रहा है, तो इंडक्शन से यहां चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना। पॉइंट समझ में आया ये, कि यहां पर मैंने जो चार्ज निकाले कितना चार्ज होना चाहिए, ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मुझे गिवन है कि आउटर पे सिग्मा की वैल्यू सेम है वहां से निकाल लिए। अब मैं ये कहता हूं कि किसी भी हालत में नीचे जो मर्जी चार्ज हो मेरे को लेना देना नहीं है, पर आउटर चार्ज विल रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां इंडक्शन की प्रॉपर्टी लगती है, ठीक, इंडक्शन की प्रॉपर्टी लगती है तो पक्की बात है, जैसे आप कह रहे हो कि पहले इंडक्शन क्यों नहीं लगाई, ये लो लगा ली माइनस Q1, तो मान लो यहां का चार्ज एक्स है, मुझे पता नहीं अब कितना है, ठीक, तो मुझे पता है कि एक्स की वैल्यू, मेरा क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू यहां पर क्या हो सच दैट इसका आउटर चार्ज कितना हो, आउटर चार्ज की रेशियो विल रिमेन सेम, तो आपका आंसर तो वही रहेगा 4 times Q1, बात तो एक ही है। तो माइनस Q1 का जो प्लस Q1 है वो ऑलरेडी यहां पर एडजस्टेड है, तो इसका आउटर चार्ज 3Q1 है प्लस Q1 बाय इंडक्शन और प्रोड्यूस हुआ। तो ये लंबा रास्ता है पहले इंडक्शन करना, ये ज्यादा बेटर है कि आप इनको चार्जेस को पहले फिक्स कर लो, इसको तो चेंज करना पड़ेगा ही नहीं क्योंकि कह रहे आउटर में ये रेशियो सेम होनी चाहिए, फिर इंडक्शन लगा लो, फिर टोटल चार्ज देख लो ऐड करके कितना है, उसकी रेशियो निकाल दो। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आउटर चार्ज को आपने फिक्स कर दिया, इनर पे आपने इंडक्शन लगा दी, वो दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड टोटल चार्ज ऑन ईच शेल, फिर तो आपने इनको ऐड कर करके बता देना है दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। अगर वो कहता है फाइंड टोटल चार्ज ऑन आउटर शेल्स ओनली या फिर ऑन द आउटर सरफेस ओनली, तो इसके ऊपर Q1, इसके ऊपर 4Q1, इसके ऊपर 9Q1, क्योंकि 4, 9 और 1 की रेशियो सिर्फ आउटर के लिए लगी है बिना इंडक्शन के। पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये घर जाके आपने आराम से सोचना है और इसको इसको लिखना भी ऑब्वियसली, ठीक, क्या पॉइंट क्लियर है? ये लो, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, ये क्या है क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका प्रूफ तो चलो मैं करवा ही रहा हूँ आपको, किसी कंपटीशन में आया हुआ प्रूफ, मतलब किसी कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा एज अ फॉर्मूला काम करेगा। तो क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन है कि सपोज करो ये आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज है और रो इसकी डेंसिटी है, राइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर आप ई निकालो, तो सबको पता होगा कि इसका फॉर्मूला रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट है। एक नंबर तो पक्का हो गया आज के टेस्ट में, क्योंकि मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं, एक फॉर्मूला तो आप याद ही कर लो, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो क्लियर है यहां तक। सॉलिड स्फीयर के अंदर ई की वैल्यू क्या होती है सबको पता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन ये है कि सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, सपोज ये सॉलिड स्फीयर है और मैंने क्या किया, इस सॉलिड स्फीयर में से एक कैविटी बना दी, खाली कर दिया, काटा और फेंक दिया। अब चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन के अंदर आपको दिखाई देगा बस, और कोई पॉइंट लिया इसके कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर, और ये इसका पहले वाले स्फीयर का सेंटर है, नए स्फीयर का सेंटर है, इनके बीच में डिस्टेंस गिवन है ए, कैविटी की गिवन है, दोनों सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस, पूरा स्फीयर है ये भी स्फीयर है, तो आपने इन दोनों के सेंटर में डिस्टेंस लिया ए। आपको प्रूव करना है कि आप ये पी पॉइंट चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, जहां मर्जी कैविटी के अंदर ले लो, ई की वैल्यू हर हालत में क्या आएगी, कॉन्स्टेंट, और किसके इक्वल आएगी, रो ए बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है, यानी कि ई की वैल्यू डिपेंड करती है दोनों के सेंटर्स के ऊपर कितना डिस्टेंस है, और सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्योंकि ए है तो इस कैविटी के अंदर कहीं भी पॉइंट ले लो आंसर विल रिमेन सेम। ये प्रूव करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे मान लो ये रूम रूम नहीं है, मान लो ये रूम एक स्फीयर है और सब आप सब चार्ज पार्टिकल, आप चार्जेस हो और मैं वो पॉइंट पी हूं जिस आप सब मेरे ऊपर मिलके क्या लगा रहे हो इस क्लासरूम के अंदर, ई। ठीक, और ई की वैल्यू मान लो लगा रहे हो 10, मान लो 10 वेक्टर है पर वैल्यू मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं 10। मैंने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स को यहां से निकाल दिया और ये जगह खाली हो गई, तो अब आप पूरी क्लास में जो चार्जेस हैं उसका अफेक्ट मेरे ऊपर थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस कम हो गए। तो मैं ये पूछ लेता हूं कि तुम लोग, सिर्फ अकेले सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं, उन सबसे नहीं पूछ रहा क्योंकि सबने मिलके इंक्लूडिंग आपने मेरे ऊपर वैल्यू लगाई थी 10। आप सिर्फ ये बता दो 10 लोग जितने जिनको मैं काट के फेंकने वाला हूं कि आपने मेरे ऊपर ई कितना लगाया। आप लोगों ने बोला कि 10 लगाया, सॉरी 2 लगाया, दे दी मैंने अटेंडेंस दे दी। ठीक, तो आप लोगों ने मेरे ऊपर ई कितना लगाया, 2, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 2 था, पूरी क्लास का कितना था 10 इंक्लूडिंग ये सब। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, अब बची हुई वैल्यू मेरे पास कितनी रहेगी, 10 में से 2 गया 8, यही रूल है। तो यानी कि पहले पूरी पूरे स्फीयर का ई निकाल लेते हैं पी पॉइंट पे, फिर जो पोर्शन को कट करके फेंका उनसे पूछ लेते हैं कि आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था पी पॉइंट पर ई का, और फिर रिमेनिंग का आंसर आ जाएगा जब आप निकालोगे दोनों ई को माइनस करके आंसर आ जाएगा। इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही बोलते हैं। ये सब वेक्टर का खेल है सारा, कोई डाउट इसमें। तो पहला स्टेप सबको समझ में आया, रिमेनिंग पोर्शन का जो ई होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होल स्फीयर का ई माइनस कैविटी का ई का सब्ट्रैक्शन होगा, कोई डाउट इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है, करें स्टार्ट। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक, सपोज ये पूरे का पूरा स्फीयर है, पहले कुछ कैविटी नहीं, कुछ नहीं है, और मान लो ये पॉइंट पी है और पी पॉइंट का डिस्टेंस मान लो यहां से बी है, बी। तो मेरा क्वेश्चन है कि बी डिस्टेंस पे अगर कोई पी पॉइंट स्फीयर के इनसाइड लाई करता है तो बोलो ई की वैल्यू क्या लगाएगा, रो बी डिवाइडेड बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में ही हो जाएगा। जस्ट इमेजिन करो
कि अगर पी पॉइंट की दूरी सेंटर से बी है, अगर आर होती तो आर लगा देते, बी है तो बी लगा लेते, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को सिर्फ ए गिवन है, तो मैंने इमेजिन कर लिया कि पी पॉइंट का डिस्टेंस पुराने स्फीयर के सेंटर से बी है, तो मैंने पुराने स्फीयर का कंट्रीब्यूशन पूछा, तो पुराने पूरे स्फीयर ने क्या बोला, इंक्लूडिंग ये चार्ज, वन कितना रो बी बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। अब सिर्फ कैविटी वाले स्फीयर से पूछो, सिर्फ इस स्फीयर से पूछो कि तेरा सेंटर कहां है, ये बोलेगा मेरा सेंटर सी डैश है। इससे पूछो कि पॉइंट कहां पर है, वो कहते हैं मेरे स्फीयर के अंदर ही है। अब इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इसको देखना है। इससे पूछो कि तू क्या कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये भी सेम फॉर्मूला लगाएगा, रो आर बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके सेंटर से ये दूरी कितनी है आर, इसके सेंटर से क्या था बी, इसके सेंटर से आर। तो ये देखो पूरे स्फीयर के अंदर हमने क्या टर्म यूज की, बी, और कैविटी का जो स्फीयर है उसके अंदर कितनी दूरी है, कैविटी वाले के लिए कितनी दूरी है आर, और दोनों को क्या कर लिया माइनस। पॉइंट समझ में आया, तो पहला स्टेप समझ में आया कि पहले पूरे स्फीयर की वजह से ई निकाला, फिर कैविटी से पूछ लिया कि तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, उसने बोला मेरा ये कंट्रीब्यूशन है, तो उसने अपना डिस्टेंस आर के हिसाब से बोला, इसे बी के हिसाब से बोला, दोनों को माइनस कर दिया। पर क्वेश्चन के अंदर ना तो मुझे आर गिवन है, ना ही क्वेश्चन में मेरे को बी गिवन है, तो एक काम करते हैं, मेरे को तो ए गिवन है, इनमें रिलेशन निकाल लेते हैं। ट्राइंगल देख रहे हो, ट्राइंगल लॉ में ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज क्लोजिंग साइड, क्लोजिंग साइड क्या है बी वेक्टर, तो बी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आप एक काम करो, इस आर वेक्टर की जगह पुट करो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको ओपन करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस हो जाएगा, ये टर्म क्या हो गई कैंसल, आंसर आ गया। तो आपका आंसर रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट आएगा, यानी कि लोकेशन ऑफ पी मैटर नहीं करती, मैटर क्या करेगा दोनों के सेंटर में कितना डिस्टेंस है। तो ये प्रूफ तो आपको याद हो ना हो, लेकिन एटलीस्ट ये फॉर्मूला जरूर याद कर ले नोट, कि किसी भी कैविटी वाले क्वेश्चन में ई कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है रो ए बाय थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये स्टेप समझ में आया, कोई डाउट इसमें, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक। इस क्वेश्चन को रीड करना प्लीज, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, ठीक। देखें इस क्वेश्चन को, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ इसको ब्रेक करके कुछ आ जाए मैं कह नहीं सकता। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है अंदर चार्ज है, इसके अंदर भी चार्ज है, क्लियर है यहां तक। एंड इसकी डेंसिटी रो वन है, इसकी रो टू है, इसका रेडियस टू आर है, इसका रेडियस आर है, एक छोटा एक बड़ा है, एंड टच ईच अदर,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्मॉलर स्फेयर, ये स्मॉलर स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर, ये नहीं बता रहा कहां, अब सेंटर पे खड़े होके 2 आर इधर भी लाई कर सकता है, सेंटर पे खड़े होके 2 आर इधर भी लाई कर सकता है, तो सेंटर पे 2 आर डिस्टेंस दूर राइट, सेंटर से 2 आर डिस्टेंस दूर लेफ्ट, ये दो पॉइंट्स आ सकते हैं। कह रहे इन दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो, अंडरलाइन कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है जीरो, तो P1 पे और P2 दोनों 2 आर डिस्टेंस अपार्ट है, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, एग्जैक्टली जीरो। तो कह रहे बताओ कि अगर ये जीरो है, रो 1 और रो 2 की रेशियो क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि रो 1 रो 2 की रेशियो निकाल दी है। तो सबसे पहले डिस्टेंसेज का फैसला कर लेते हैं, डिस्टेंसेज में ध्यान से ये देख लो, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये P इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2R, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है, आपका आंसर क्या होगा, 2R गिवन है, कोई डाउट इसमें, अब ध्यान से देखना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2R, ये डिस्टेंस कितना है, R, ये डिस्टेंस कितना है, 2R में से R गया तो बचा हुआ R, लग नहीं रहा तो, लेकिन अब लिख लेना प्लीज, ये भी R और ये भी R, देखने में पॉइंट थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो ये डिस्टेंस क्योंकि 2R है, ये R है, तो बचा हुआ कितना है, R है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम है, क्लियर है यहां तक। फिर देखो ये R है, ये R है, ऑब्वियसली फिर ये भी R है, क्योंकि टोटल कितना है, 2R है, तो लिख लो यहां पे R, R और R, ठीक, कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। अब शुरू करें, तो लेट अस सपोज आपके पास दो स्फीयर्स हैं, और चलो पहले पॉइंट P1 की बात करते हैं, आप इस बड़े स्फीयर से पूछो कि P1 कहां लाई करता है, बड़ा स्फीयर क्या कहेगा, मेरे अंदर लाई करता है, मैं इनसाइड लाई करता है, और इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, E का ρr/3 ε0। आप छोटे स्फीयर से पूछो कि P1 कहां लाई करता है, छोटा स्फीयर क्या कहेगा, मेरी सरफेस से बाहर लाई करता है, ठीक, तो इसका फॉर्मूला इनसाइड वाला लगेगा, इसके लिए फॉर्मूला आउटसाइड का लगेगा। तो अगर आप छोटे स्फीयर की बात करते हो, छोटा स्फीयर, उसके लिए P पॉइंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से कितना है, 2R है, 2R है, ठीक। मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज अगर Q है, तो मैंने आपको एक शॉर्टकट करवाया था कि अगर Q चार्ज है तो E की वैल्यू यहां पर क्या होती है, आउटसाइड 1/4πε0Q/2R का, या अगर कुछ ना याद हो, ये तो याद हो ही जाएगा, और मैंने आपको एंड में बताया था कि अगर रो की फॉर्म में पुट करना हो, तो रो की फॉर्म में ρ1 into इस पूरे के अंदर चार्ज क्या होगा, ρ1 into इसका वॉल्यूम 4/3πr³। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, जिन लोगों को तो रो वाला फॉर्मूला डायरेक्टली याद है वो तो डायरेक्ट लगाएं, जिनको नहीं याद मेरी तरह, वो 1/4πε0Q/2R² करके Q की वैल्यू को पुट करें, ये स्टेप समझ में आ रहा है। तो ये स्फीयर इसके ऊपर इतना ई लगाएगा। अब एक काम करते हैं, बड़े स्फीयर से पूछ लेते हैं, बड़े स्फीयर से इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, आर, तो बड़ा स्फीयर यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएगा, ρ2R/3ε0, तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला लगाएगा, पर क्योंकि क्योंकि पी पॉइंट पे +1 रखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, आउटसाइड होता है ई, तो लेफ्ट और राइट का ई शुड बी इक्वल, ताकि नेट ई क्या जाए, जीरो। तो P1 के ऊपर नेट ई जीरो कर दिया, बड़े स्फीयर ने इतना कंट्रीब्यूट किया, छोटे ने इतना कंट्रीब्यूट किया, और छोटे का ई की वैल्यू समझ में आई कैसे निकाली मैंने, और क्योंकि नेट ई जीरो है तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इक्वेट करो, सॉल्व कर लेना, रो की रेशियो आएगी। पॉइंट समझ में आया कि वो पॉइंट एक के लिए तो बाहर है, लेकिन एक के लिए इनसाइड है, तो दोनों के फॉर्मूले निकालो, दोनों को इक्वेट करो, आंसर ठीक है। यहां तक प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर क्लियर है तो बस सब क्लियर है,
फॉर्मूला क्लियर नहीं, सोचना पड़ गया, फिर निवास, क्योंकि बंदा फॉर्मूले में उलझा रहेगा या न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, तभी तो आज टेस्ट है किसका, फॉर्मूलास का। आप 2-3 मिनट लेना, सारे फॉर्मूला याद कर लेना, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टेस्ट पर, प्लीज फॉर्मूले ठीक कर देना, नंबर देने में कोई हर्ज नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, सारे फॉर्मूले डाल दिए मैंने, शेल, स्फीयर, शीट, लाइन चार्ज, 2 मिनट दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, याद करने अच्छे से याद कर लेना, 9 नंबर तो फ्री के मिलेंगे, 9 फॉर्मूलास हैं। ठीक, सो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और भी पॉइंट है, P2, अब इसका भी केस देख लें, आंसर सेम नहीं आया, मजे की बात ये देखो, P2 के ऊपर आप इस स्फीयर से पूछो कि P2 कहां लाई करता है, ये स्फीयर कहेगा मेरे बाहर लाई करता है, और +1 रखोगे तो इसकी वजह से E कहां आएगा, बाहर की तरफ, ऐसी इसकी तरफ से क्या आएगा, बाहर की तरफ, दोनों वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन, क्लियर। तो इस स्फीयर से, इस स्फीयर से इसकी दूरी कितनी है, 2r, और इस स्फीयर से सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, ये कितना है, 2r, 2r में क्या ऐड किया, 2r डायमीटर, 4r, 4r में क्या ऐड किया, r, टोटल कितना हो गया, 5r, तो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5r। तो एक काम करते हैं, P2 पॉइंट पे इस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/4πε0ρ, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, q/2r का स्क्वायर, इसका चार्ज बाय 2r का स्क्वायर, इसका चार्ज क्या होगा, रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके वॉल्यूम से, और इसके लिए फॉर्मूला लगेगा, इसके सेंटर से बाहर है वो पॉइंट, 1/4πε0q/5r का स्क्वायर, लेकिन q क्या होगा इसमें, रो इनटू कितना, 4/3π2r का q, क्योंकि इसका वॉल्यूम पुट करेंगे, इसका चार्ज, इसका वॉल्यूम पुट करेंगे तो इसका चार्ज, लेकिन नेट ई क्या आएगा, जीरो, नेट ई को जीरो किया, रो की रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव आई, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में नेट आंसर जीरो कैसे देंगे, इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि यहां पर नेट ई जीरो हो, तो एक चार्ज को पॉजिटिव होना है तो दूसरे चार्ज को नेगेटिव होना है, ताकि दो वेक्टर उल्टे हो जाएं। इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, और ब्रेक करके कुछ ना कुछ दिया जा सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ज्यादातर कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन, दिस इज नॉट फॉर एनसीईआरटी, ये सिर्फ कॉम्पिटिशन बेस्ड चल रहा है, और कॉम्पिटिशन के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉलिड स्फीयर के अंदर ही आएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, इसमें खोल के देखो पुरानी किताबें, और जो मैंने यहां पर कलेक्शन की है, मेरे को नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट से बाहर जाएगा, या जितने थे सारे के सारे शीट में डाल दिए। आज सॉलिड स्फीयर ही करना है, बस कुछ करना ही नहीं, और कुछ बस सॉलिड स्फीयर ही, ताकि एक जैसे क्वेश्चन चलते जाएं, फिर देखो सॉलिड स्फीयर, डिस्क आ गई, लेकिन बीच में स्फीयर डिस्क एक ही बात है, मतलब इस ये सब एक जैसे कैटेगरीज है, करो जरा सॉल्व।
ओके देखो, सो क्वेश्चन है कि एक डिस्क है और डिस्क में से डिस्क का जो जो रेडियस है वो 2a है, उसमें से एक डिस्क को कट कर दिया जिसका रेडियस a है और ये h हाइट है, h हाइट पर e की वैल्यू इस पोर्शन की वजह से इसके इक्वल है c इनटू h, वेयर c इज अ कांस्टेंट, बोलो वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है ये निकालनी है, मतलब सीधा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो एक काम करेंगे, इसमें भी सेम रूल है, ध्यान से पहले इमेजिन करेंगे कि पूरी डिस्क कितना कंट्रीब्यूट कर रही है इस पॉइंट पर, मान लो 10 अपवर्ड्स, फिर पूछ लेंगे कि जिस डिस्क को कट किया वो भी चार्ज्ड है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया, मान लो 2, तो बची हुई डिस्क क्या करेगी, 10 में से 2 क्या 8, तो यही सेम प्रिंसिपल है। तो एक काम करते हैं, पहले डिस्क का फॉर्मूला मैंने आपको शीट में लिख के दिया था, प्रूफ कहा था मत करना, पर डिस्क का फॉर्मूला इसके इक्वल था, ये एक्स डिस्टेंस पे अगर डिस्क की वजह से ई निकालना हो तो ये फॉर्मूला है, क्लियर है यहां तक। फिर पूरी डिस्क, अगर मान लो डिस्क कट नहीं की, पूरी की पूरी डिस्क है, पूरी की पूरी डिस्क का रेडियस क्या है 2a, और एच हाइट पर एक्स की जगह एच और रेडियस की जगह 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये ई का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एट अ हाइट ऑफ एच, कर लेना प्लीज, 2h नहीं है एच है, करेक्शन है, एट हाइट ऑफ एच। ठीक, फिर जो ये कंप्लीट डिस्क का ये फॉर्मूला आ गया, क्वेश्चन में गिवन है साफ साफ कि एच बहुत छोटा है ए से, तो एच को निगलेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो डिस्क को काट दिया गया उसका रेडियस है ए, वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, वो इतना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी 2a की जगह क्या हो जाएगा सिंपली ए, बाकी तो एवरीथिंग इज सेम। फिर रिमेनिंग का क्या आएगा, रिमेनिंग आएगा e1 में से e2 को क्या करना है माइनस, माइनस करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आएगी और हमें आंसर किस फॉर्म में गिवन है सी इन टू एच, तो ऑब्वियसली ये जो कांस्टेंट आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी सी कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आया कि इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर एक बार स्क्वायर, ये स्फीयर का सबसे कॉम्प्लेक्स पोर्शन है, जो जब हम सॉलिड स्फीयर के अंदर ई निकालते हैं तो हमें वैसे भी फॉर्मूला आता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, पर याद रहे कि जो ये फॉर्मूला लगता है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सेम क्वेश्चन है, एक सॉलिड स्फीयर है अंदर r1 डिस्टेंस पे आपको ई निकालना है, आप कहोगे सीधा फॉर्मूला लगा दो रो r1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हमने थ्योरी में किया था ये फॉर्मूला उसमें रो वॉज अ कॉन्स्टेंट, इसके अंदर उसने रो को क्या कर दिया चेंज, स्मॉल आर के साथ रो की वैल्यू इज चेंजिंग, क्लियर यहां तक, तो स्मॉल आर के साथ रो चेंज हो रहा है, तो चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, स्मॉल आर का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, स्मॉल आर की वैल्यू 0 पे रो 0, कोई चार्ज नहीं है, जैसे जैसे बाहर जा रहे हो स्मॉल आर बढ़ता जा रहा है चार्ज बढ़ता जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर यहां तक। तो आपने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर मुझे ई निकाल के दिखाओ, तो जहां ई निकालना है वो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा जो हमने याद किया हुआ है, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या इमेजिन किया कि रो इज अ कांस्टेंट, तो हम क्या करेंगे गॉसियन सरफेस लें अपनी, ये सॉलिड, ये पूरा सॉलिड स्फीयर है, स्मॉल आर वन डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस लेंगे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सीधा लिखेंगे ई इंटू 4πr1² सीधा, गॉसियन सरफेस का रेडियस r1 है, r1 डिस्टेंस पे ई निकालना है तो वही गॉसियन बनेगी ई इंटू 4πr1² कोई डाउट इसमें, इज इक्वल टू गॉस ने क्या कहा था क्यू इनसाइड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r1, क्योंकि गॉसियन सरफेस रेड कलर की है इसके अंदर का चार्ज लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से e1 निकलेगा, क्या स्टेप समझ में आया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको चार्ज निकाल के दिखाऊंगा इसके अंदर कितना चार्ज है, अब चार्ज एक तरीका रो को मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे वॉल्यूम से नहीं निकलेगा, वो तो तब फॉर्मूला लगता है व्हेन रो इज अ कांस्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, इमेजिन करता हूं इस रेड वाली सरफेस को मैंने थोड़ा बाहर बना लिया और मैं निकालना चाहता हूं इस रेड सरफेस में कितना चार्ज है, यही मेरा क्वेश्चन है। अब ये सॉलिड स्फीयर किससे बना हुआ है, शेल से, एक हॉलो शेल है उसके बाहर एक शेल है, उसके बाहर एक शेल है, तो इमेजिनरी शेल्स इकट्ठे करके भर दिया सॉलिड स्फीयर बन गया। तो इमेजिन करो कि r डिस्टेंस पे ये एक शेल है, इस शेल का सरफेस एरिया कितना है 4πr² थिकनेस कितनी ली मैंने dr,
वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू थिकनेस यानी कि डीवी, वॉल्यूम आ गया। और अगर मैं निकालना चाहता हूं इस शेल के ऊपर चार्ज, स्मॉल चार्ज, तो मैं क्या करूंगा, रो, रो का मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को शेल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो शेल का चार्ज आ जाएगा। पर मेरे को तो टोटल चार्ज निकालना है सभी शेल्स का, तो मैं सभी शेल्स के चार्ज को क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। एक शेल का चार्ज कैसे निकलेगा, समझ में आया, रो इनटू डीवी, डीवी का मतलब एक शेल का वॉल्यूम, और सभी टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर रो की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरी की पूरी रो है, और डीवी की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली, 4πr² इंटू dr। और इंटीग्रेशन कहां से कहां करनी है, इंटीग्रेशन मुझे करनी है, ये जो रेड कलर की सरफेस है उसका रेडियस कितना है, r1, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके r1, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इसके अंदर का चार्ज होगा। ये स्टेप क्लियर है? तो सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर रो चेंज हो रहा है, बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसका, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लेना है, एक शेल लेना है, शेल का एरिया लेना है, थिकनेस लेनी है, वॉल्यूम आ गया, रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जितना पोर्शन का आपको चार्ज निकालना है r1 का, तो 0 से r1, इस पूरे चार्ज को उठा के यहां पुट कर देंगे ना, चार्ज चाहिए था हमें r1 रेडियस में, वो चार्ज पुट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, r³ की इंटीग्रेशन r 4/4, r1 लिमिट पुट करने के बाद e1 की वैल्यू आएगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, या फिर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग e1। मेडिकल में नहीं आएगा, मेडिकल में नहीं आएगा, इतना कॉम्प्लेक्स। मेडिकल में सिर्फ रो r/3 एप्सिलॉन नॉट पे आएगा, नॉन मेडिकल में तो प्लीज कोई गारंटी नहीं, कुछ भी, कुछ भी, यू नेवर नो, इस बार आसान अगली बार मुश्किल, कुछ नहीं कर सकते इसका, तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा नहीं देगा, रो की इंटीग्रेशन छोटी दे देगा, r² दे देगा, दो लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, नॉट फॉर एनसीईआरटी प्लीज। ठीक, मजे की बात, देखो फिर कंपटीशन वालों ने एक और क्वेश्चन डाला सेम टू सेम, क्या कह रहे हैं कि मान लो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, रो का सिर्फ फॉर्मूला ही चेंज कर रहे हैं उन्होंने कॉम्पिटिशन में, एनसीईआरटी में नहीं आएगा, रो का फॉर्मूला इस बार चेंज कर दिया, वो कह रहे हैं रो की वैल्यू कैपिटल आर डिस्टेंस तक, कैपिटल आर का मतलब कि स्मॉल आर से लेके कैपिटल आर तक, ये रहा रो का फॉर्मूला, वो रहा, उसके बाद रो है ही नहीं क्योंकि स्फेयर ही खत्म हो गया, तो रो कितना है, 0, स्फेयर के बाहर ही चले गए जब, तो रो कहां से आएगा, तो कह रहे सॉलिड स्फेयर के अंदर रो का ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन वही है, सॉलिड स्फेयर के अंदर ई निकालो। देखो अब आपका एफर्ट कम लगेगा, आप फिर क्या लेंगे, गॉसियन सरफेस स्मॉल आर डिस्टेंस पे, रूल वही लगाओगे, क्या रूल लगेगा कि E इंटू गॉसियन सरफेस का एरिया इज q/ε₀, सेम रूल, और q की वैल्यू इस रेड कलर की सरफेस के लिए कैसे निकलेगा, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर को मन में मानना है कि शेल से बना होगा, एक शेल के लिए चार्ज क्या होता है, रो इंटू डीवी, और शेल का डीवी अभी करके दिखाया था क्या था, 4πr² इंटू dr, पर रो का फॉर्मूला चेंज, तो जो भी आज के बाद क्वेश्चन आएगा ना ये सॉलिड स्फीयर का, रो चेंज करता रहेगा, ये वाला स्टेप विल रिमेन सेम। तो यहां से इंटीग्रेट किया, 4πε₀, ये रो नॉट बाहर आ गया, आर वाली टर्म्स को अंदर कर लिया, इंटीग्रेट किया, चार्ज आ गया, इस चार्ज को यहां पुट किया, पुट करके ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, मेडिकल में नहीं आएगा। ठीक, नॉन मेडिकल वालों को इसलिए समस्या नहीं है क्योंकि उनको इंटीग्रेशन करवाएंगे अभी, तो इंटीग्रेशन के अंदर ये सारे स्टेप्स आपके अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ फिजिक्स का मेथड देखो कि मेथड इसको करना कैसे है, स्टेप्स घर जाके आराम से देखना। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? और लास्ट क्वेश्चन, एक एटम के ऊपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डाल दिया गया कि एटम को सॉलिड स्फीयर माना जाए, फिर सॉलिड स्फीयर, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, एटम जो बना हुआ है कंसिडर टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ZE, हमें मालूम है कि न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या होता है, ZE, और वो कह रहे हैं इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम वाइज। शिवम, चार्ज इस न्यूक्लियस के आसपास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम वाइज। तो क्वेश्चन है इस एटम के आर डिस्टेंस के अंदर जाके ई निकाल के दिखाओ, तो फिर से क्या ली, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या बनेगा, 4πr² इज इक्वल टू इस रेड कलर के अंदर कितना चार्ज है, 2πε₀,
रेड कलर में एक तो न्यूक्लियस का चार्ज है कितना, जेड ई, और साथ में इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन सारे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ इतना इतना। अब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इस एटम की डेंसिटी वॉल्यूम वाइज रो है, इस वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³। इतने वॉल्यूम में रो का मतलब क्या है, डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लेना यहां पर, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, चार्ज। अब अगर मैं आपको रो की वैल्यू बता दूं, आंसर आ जाएगा, रो की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल चार्ज इस एटम के ऊपर क्या आएगा, जीरो, और एटम के अंदर प्रोटॉन का ये चार्ज है, प्रोटॉन का ये चार्ज है न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन पूरे एटम में कैपिटल आर रेडियस में फैले हुए हैं, कैपिटल आर रेडियस में फैले हुए हैं। तो रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से सॉल्व करके रो आएगा, और अच्छी बात है रो नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो रो शुड बी नेगेटिव। इस रो को उठा के यहां पुट कर देंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके कि ई की वैल्यू क्या होगी, घर जाके सॉल्व करना, इसमें शायद करेक्शन है, स्मॉल आर की वैल्यू यहां पर आएगी, स्मॉल आर भी आएगा, कुछ चेक कर लेना आंसर क्या, ये पॉइंट सबको क्लियर है।